हाय एवरीवन, और आज पीफोरे मैथमेटिक्स मैजिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इन्हीं पर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एज़ यूजुअल हमारी आज की वीडियो में सॉल्यूशंस होंगे, क्विज टाइम होगा, एज वेल एज टिप ऑफ द डे होगी। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को काइंडली एंड तक देखिए ताकि आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं, और शुरू में मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम इस वीडियो में क्योंकि मैथ्स 10th से डील कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे और इसमें 90 माइनस थीटा से रिलेटेड कॉन्जुगेट्स ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास रूल ये है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं पहले इसमें ये बता दूं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कि थीटा इज़ एनी अक्यूट एंगल। हमें ये ट्रिग्नोमेट्री है तो 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करना है। तो एक अगर 90 डिग्री हो जाता है, एक एंगल अगर आपका थीटा हो जाता है, तो ये वाला एंगल हम समझते हैं 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। तो ये 90 हो गया आपका, ये थीटा हो गया, एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर साइन जब 90 माइनस थीटा के साथ लग जाता है तो इट चेंजेस टू व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस थीटा, और सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आपको साइन थीटा देगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, इसलिए मैंने इसे एक सेट में डाल दिया है। फिर हमारे पास आता है टैन। तो टैन ऑफ 90 माइनस थीटा गिव्स यू कॉट थीटा, एंड एट द सेम टाइम कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज गोइंग टू गिव यू टैन थीटा। फिर हमारे पास आता है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा गिव्स यू कोसेक थीटा, और कोसेकेंट या कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज गोइंग टू गिव यू सीकेंट थीटा। बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, मगर साइन 90 माइनस थीटा का कॉन्जुगेट कॉस थीटा होता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कोसेक ओवर हियर, तो बी वेरी केयरफुल विद दिस। हाँ, टैन और कॉट एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, तो टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं। ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि ये दोनों कॉन्जुगेट भी होते हैं एज वेल एज योर रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, और ये सिर्फ टैन और कैट की कैटेगरी, कॉट की कैटेगरी को ही अप्लाई होता है। अब इसी चीज़ को और क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए हमने एक छोटी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ली है, जिसके अंदर हमने ऑपोजिट पोल्स पर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके कॉन्जुगेट्स को प्लेस किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साइन है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट यहाँ पर कॉस है। उसी तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर सीकेंट है तो यहाँ पर हमने कोसेक लिया है, और यहाँ पर टैन है तो यहाँ पर आपका कॉट है। तो वेरी ईजी टू रिमेंबर, साइन एज वेल एज कॉस, सीकेंट एंड कोसेकेंट, टैन एज वेल एज योर कॉट। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद रखना भी काफ़ी इजी है। एक बार फिर ब्रीफिंग कर देती हूँ, साइन 90 माइनस थीटा आपको कॉस दे देगा, और कॉस 90 माइनस थीटा वापस से साइन दे देगा, टैन 90 माइनस कॉट दे देगा, और कॉट 90 माइनस टैन दे देगा, सीकेंट 90 माइनस कोसेकेंट दे देता है, और कोसेकेंट आपको सीकेंट दे देता है। बस सीकेंट में आपको को जोड़ना होता है और यहाँ पर कोसेकेंट में आपको को निकाल देना होता है, ऐसे याद रख लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ, जो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड होने वाली हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज शो दैट टैन 48 इंटू टैन 16 टैन 42 इंटू टैन 74 इज इक्वल टू 1। बिफोर आई स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने हमारी लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में डिस्कशन किया था, और उसके बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमने देखे थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि उस टेबल में जो एंगल्स हमने डिस्कस किए थे वो बेसिकली थे आपके 0 डिग्रीज, देन वी हैड योर 30 डिग्रीज, वी हैड 45, वी हैड 60, एंड एट लास्ट वी हैड 90 डिग्रीज। मगर जब आप कॉन्जुगेट्स की बात करते हो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हो, यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ दीज एंगल्स इन देम, रादर यू वुड बी फाइंडिंग द एंगल्स विच आर अदर देन दीज एंगल्स। तो आप लोग खुद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ऑब्जर्व कर लेना कि आपको ये नंबर्स नहीं होंगे, आपको ऐसे नंबर्स होंगे। तो जब आपको एग्जाम में ऐसे नंबर्स आएंगे तो आप
टेंथ स्टैंडर्ड की लेवल पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इंटर और दी अदर और इंजीनियरिंग, टेंथ स्टैंडर्ड की लेवल पे आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या कॉन्जुगेट्स का यूज़ करना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके बीच में प्लस माइनस कोई भी साइंस नहीं है, तो मतलब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो साइंस आएंगे वो सारे मल्टीप्लिकेशन के साइंस होंगे। तो यहाँ पर पहले हमें प्रॉपर कॉन्जुगेट पेयर को ढूंढ कर निकालना होगा। हाउ विल यू सर्च फॉर द प्रॉपर कॉन्जुगेट पेयर? तो लेट मी शो यू इन द रफ कॉलम। हाँ, तो ऑल्दो आई एम मेकिंग अ वीडियो बट स्टिल I am using a rough column over here. तो बोलने का मतलब ये है कि मैथ जब भी करो तो रफ कॉलम का बिल्कुल यूज़ किया करो, टू मेक योर फेयर वर्क नीट क्लीन एंड वेल एक्सप्लेन्ड एंड प्रेजेंटेड। तो इसलिए मैं यहाँ पर रफ कॉलम में कॉन्जुगेट फाइंड आउट करती हूँ। आई पिक अप द फर्स्ट नंबर विच इज़ नथिंग बट 48 डिग्रीज, और मैं इस 48 को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो द रिमेंडर विच यू गेट ओवर हियर इज़ नथिंग बट 42 डिग्रीज। तो यहाँ पर क्लियरली हमारे पास जो कॉन्जुगेट पेयर बनता है वो है tan 48 एज वेल एज tan 42 डिग्रीज। तो हम टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सो आई राइट इट एज tan 48 डिग्रीज एंड tan 42 डिग्रीज टुगेदर। और फिर ऑब्वियस है जो दूसरे दो एक्सप्रेशंस बच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेकेंड वाला पेयर बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने रीअरेंज करके लिख लिया। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑलवेज गो फॉर चूजिंग द फर्स्ट वन ऑफ द सेट, इसे सेम लिखना है एंड देन ओपन द ब्रैकेट्स, डोंट डू एनीथिंग टू दिस नंबर। उसके बाद आप ये सेकेंड एक्सप्रेशन जैसा है वैसे ही कॉपी कर लीजिए और फिर आप इधर आ जाइए, आप अगेन tan लिखिए और फिर ये 16 की जगह पर ब्रैकेट्स ओपन रखिए और सेकेंड एक्सप्रेशन को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। ये लॉजिक सभी प्रॉब्लम्स में ऐसे ही अप्लाई होगा। आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज सच लिख लेना है और यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसके लिए अभी फिल वक्त से ब्रैकेट रखिए, फिर tan 42, फिर यहाँ पर मैंने tan लिखा है और फिर 16 की जगह पर मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया है और फिर tan 74 मैंने एज सच कॉपी कर दिया है। ओके, तो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू गेट गाइस, इस 48 की जगह पर आई राइट 90 माइनस ये जो बाजुक का नंबर है आपको वो लिख देना है, दैट्स इट। और आप लोग चेक करके भी देख सकते हो कि जब आप 90 में से 42 माइनस करते हो, 90 में से 48 माइनस कर रहे हो तो 42 मिलेगा और 42 माइनस करोगे तो 48 मिलेगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज 90 माइनस ये वाला नंबर आपको लिख देना है एंड ये तो एज सच रहेगा। फिर आप इधर आइए, अगेन यू राइट इट एज 90 माइनस ये जो बाजुक का नंबर है, अगेन आपको सेम कॉपी करना है। आप फ्री टाइम में चेक भी करके देख सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। नाउ वी गो ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ आर सो कॉल्ड कॉन्जुगेट्स। तो कॉन्जुगेट्स में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पर कि tan का कॉन्जुगेट आपको cot देता है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज गोइंग टू गिव यू cot थीटा। तो इसी कॉन्जुगेट के रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू गेट tan ऑफ 90 माइनस 42, यू कैन यूज ओवर हियर दैट tan ऑफ 90 माइनस थीटा गिव्स यू cot थीटा। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा cot 42 की तरफ और ये एक्सप्रेशन आपका जैसा था वैसे का वैसे ही कॉपी कर लीजिए। फिर आप इधर चलिए तो यहाँ पर दिस विल ऑल्सो चेंज टू cot 74 और ये एक्सप्रेशन जैसा था वैसे का वैसे ही कॉपी कर लीजिए। बट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट cot एंड tan आर रेसिप्रोकल्स ऑफ वन अनादर, तो वी कैन जस्ट राइट इट एज tan can be written as 1 by cot, always tan theta can be written as 1 by cot theta. तो अब मैं cot 42 को लिख सकती हूँ 1 by tan 42 into ये आपका tan 42 जैसा था वैसे ही रखिए, फिर cot को आप लिख दीजिए 1 by tan 74 into ये tan 74 जैसा था वैसे का वैसे ही लिख दीजिए।
अब आपका tan 42 कैंसिल हो जाएगा, tan 74 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 into 1। तो यहाँ के एक्सप्रेशन में भी 1 मिला है, यहाँ के भी एक्सप्रेशन में 1 मिला है, तो 1 1 जा द आंसर इज 1, जो कि आपको RHS में प्रूफ करना था। ओके, तो आप लोग ये स्टेप हटा भी सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कॉट एंड टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली इनकी जगह पर 1 भी लिख सकते हो, मगर टू मेक इट मोर क्लियर मैंने एक स्टेप एडिशनल किया है। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम में, और ये भी कॉन्जुगेट का ही प्रॉब्लम है। तो अब इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। कॉस 36 कॉस 54 माइनस साइन 36 माइनस साइन 54 इज इक्वल टू 0। सो अगेन प्रेफरेबली एज आई टोल्ड यू आई वुड बी चूजिंग माय फर्स्ट वन, तो ऑल आई डू ओवर हियर इज आई सिंपली राइट कॉस। इसमें आप रीअरेंज कुछ भी कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन टोटली मल्टीप्लीकेशन का था, इसमें आपके पास बीच में माइनस आ रहा है, तो इट बिकम्स अ बाइनोमियल। यहाँ पर अलग दो टर्म्स, यहाँ पर अलग दो टर्म्स, तो मैं ब्रैकेट्स खोल देती हूँ, और ये जैसा था cos 54, मैं इस cos 54 को एज सच लिख देती हूँ पहले, एंड यहाँ पर आई गो विथ sin 36 into sin 54। नाउ व्हाट आई डू ओवर हियर इज आई राइट cos ऑफ 90 माइनस, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट नंबर की जगह पे आपको 90 माइनस सेकेंड नंबर कर देना है विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, तो हमने लिख दिया 90 माइनस 54। ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आप देखते हो, यहाँ पर दोनों टर्म्स कॉस हैं और यहाँ पर दोनों टर्म्स साइन हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आई हैव जस्ट चेंज दिस इन टर्म्स ऑफ दिस, नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू चेंज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि आप देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट साइन ऑफ 54 एंड आई एम गोइंग टू गेट कॉस 54 माइनस साइन 36 इंटू साइन 54। तो आप देख सकते हो ये टर्म साइन हो गया, ये टर्म साइन हो गया, ये टर्म साइन हो गया, मगर ये अभी भी कॉस बता रहा है, तो मतलब हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा जिसमें हमें इसे भी चेंज कर देना पड़ेगा। सो आई टेक साइन 54 इंटू कॉस ऑफ, अब मैं 54 को कैसे लिखूंगी, आई वुड बी राइटिंग 90 माइनस 36, तो मेरे पास आ जाएगा साइन 36 इंटू साइन 54, और अब इसके बाद व्हाट इज इन दिस स्टेप आफ्टर दिस स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू गेट साइन 54 एंड व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा आपका साइन थीटा में। तो मैंने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया, आई हैव यूज द रूल कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एक मैंने वो रूल अप्लाई किया है, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक रूल ये अप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन 54 एज वेल एज कॉस को चेंज करने के बाद साइन 36, और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को आप देख सकते हो मैंने स्टार्टिंग से टच भी नहीं किया, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। देखिए अगर आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट्स अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, ये भी चेंज होता जाएगा और ये भी चेंज होता जाएगा। तो as per the need and as per the logical application आपको change करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 54 36 sine same आ चुके हैं, so you can directly cut them and the answer is 0, which is nothing but your RHS। अब हम लोग एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं आगे, जिसमें उसने कहा है कि इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 एंड 2a इज एन अक्यूट एंगल, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइन, दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मगर बहुत इजी प्रॉब्लम होने वाला है ये। एज यूजुअल हम लोग पहले कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर इक्वेशन। कंसिडर द इक्वेशन tan 2a इज इक्वल्स टू cot of a माइनस 18, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने यहाँ पर ले लिए। हमें इसे यूज़ करते हुए एंगल a की वैल्यू ढूंढ कर निकालना है, इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पर वॉट इज दैट वी कैन डू ओवर हियर, यहाँ पर cot a माइनस 18 को आप कुछ भी मत करिए, कम टू द एक्सप्रेशन ऑफ tan 2a, क्योंकि यहाँ पर cot है, हम इसे भी cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हाउ कैन यू राइट tan as, यू ऑलरेडी नो दैट tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज गोइंग टू गिव यू cot थीटा, राइट, एंड cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट योर tan थीटा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ cot, ओके। अब ऑब्वियसली सी
कॉट लिख के आप फिर से टू ओ लिख टू ए लिख दोगे तो टैन टू ए कॉट टू ए ऐसे थोड़ा ना लिख सकते हो आप लोग, देर हैज टू बी सम चेंज। तो अगर आपने टैन को कॉट से रिप्लेस किया है तो आपको लगाना पड़ेगा 90 माइनस 2a, मतलब दी अदर वे ऑफ राइटिंग टैन 2a विल बी इक्वल टू, पहले टैन की जगह पर आप कॉट लिखिए फिर 90 माइनस 2a। बोलने का मतलब ये कि सभी प्रॉब्लम्स में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है और वो ये है कि जब आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करते हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करते हो, तो उसके एंगल के साथ उसका कॉन्जुगेट 90 लगाना ज़रूरी होता है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस इधर आर एच एस पे कॉट ए माइनस 18 ही एज यूजुअल रहेगा। नाउ इफ़ यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर भी कॉट है, यहाँ पर भी कॉट है, प्लीज़ डू नॉट कैंसिल आउट दिस इन एग्जाम। ये सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया कि ये दोनों सेम है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18, क्योंकि दोनों तरफ आपके कोटेंजेंट्स हैं, कॉट हैं, तो हम ये दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो अब ऑल यू हैव टू डू ओवर हियर इज यू कैन टेक द एंटायर इक्वेशन ऑन वन साइड। तो अगर आप a इधर ला लेते हो आपको मिलेगा माइनस a और 18 इधर आ जाता है तो बनता है प्लस 18 और आपके पास रह जाएगा आर एच एस पे 0। सो वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर नथिंग एल्स बट इफ यू कैन सी 90 प्लस 18 इज गोइंग टू गिव यू 108 एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू माइनस 3a इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 108 इज इक्वल टू 3a। अब मैं माइनस 3a को उधर भेज दूंगी तो प्लस 3a हो जाएगा और लास्ट स्टेप में 108 डिवाइडेड बाई 3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू a। सो व्हेन यू कैंसिल इट यू आर गोइंग टू गेट 36 डिग्रीज एज द वैल्यू ऑफ योर a। और हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ जो कि अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही रिलेटेड हैं और ये आपके लास्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे आज की वीडियो के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन यू गॉट टू शो दैट टैन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज नथिंग बट इक्वल टू कॉट ऑफ सी बाई टू। Okay, so we have got ABC are nothing but the interior angles of a triangle. That is what he's saying over here. Okay, so always remember one thing that चाहे वो आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका अक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो, अक्यूट ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास की पॉइंट ये है कि इफ ए बी एंड सी, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स, ये हमें दिया हुआ है ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसे हम लोग यूज करके इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमें ये यूज करना है तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 118 डिग्रीज। अब देखिए बहुत ही ईज के साथ और ब्यूटिफुली ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड और टफ ओवर हियर। क्वेश्चन पर देखिए आपके पास क्या है a प्लस बी और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द सी बाय मूविंग इट टू द अदर साइड। सो व्हाट डू आई डू इज आई जस्ट डू a प्लस बी इज इक्वल टू 180 एंड आई मूव द सी टू दैट साइड। If you can see, I'm moving the c to that side, so it becomes minus c. ये हो गया। अब उसके बाद वापस से क्वेश्चन पर जाइए और आप देखिए a प्लस बी बाई टू है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ a प्लस बी है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, बाई टू, डिवाइडिंग बाई टू ऑन बोथ साइड। सो नाउ डिवाइड बाई टू बोथ साइड्स। तो अब करके देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास है a प्लस बी बाई टू and then we have got 180 minus c by 2 again, okay? अब अगर आप लोग देखते हो बेसिक फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। तो पहले इसे हम लोग ज़रा रिजॉल्व कर लेते हैं। सो वी गेट a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू वॉट इज 180 डिवाइडेड बाई टू। यू कैन राइट इट एज 180 बाई टू माइनस सी बाई टू। यू कैन स्प्लिट द एक्सप्रेशन। तो यू गोइंग टू गेट 90 हियर, सो वी हैव गॉट 90 माइनस c by 2। अब इतना पूरा कर लेने के बाद हम लोग चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। अगेन क्वेश्चन में जाके देखिए, यू हैव गॉट अ टैन, तो यू हैव
टू अप्लाई टैन ऑन बोथ साइड्स. तो हम लोग टैन लगा देते हैं बोथ साइड्स. सो यू हैव गॉट टैन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू टैन 90 माइनस सी बाई टू. व्हाट आई हैव डन, आई हैव अप्लाइड टैन बोथ साइड्स. तो अब ये करने के बाद व्हाट इज द आंसर यू गोइंग टू गेट. टैन ऑफ ए प्लस बी बाई टू वैसे ही रहेगा. अगर आप क्वेश्चन को रेफर करोगे तो आपको LHS मिल चुका है. यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट. अब चलते हैं हम लोग के RHS की तरफ. टैन ऑफ 90 माइनस, आई एम अप्लाइंग माई कॉन्जुगेट ओवर हियर. तो टैन ऑफ 90 माइनस टीटा आपको पता है गिव्स राइज टू कॉट टीटा. तो उसी तरीके से टैन ऑफ 90 माइनस सी बाई टू आपको देगा कॉट सी बाई टू, क्योंकि मेरे टीटा की जगह पर अब सी बाई टू है. तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर कॉट सी बाई टू. और अगर आप इसे कंपेयर करते हो आपके क्वेश्चन के साथ और इसे ब्लॉक कर लेते हो तो ये आपका फाइनल आंसर है जो आपको ढूंढना था. तो प्रिटी मच इजी क्वेश्चन गाइस, ओनली लुक्ड वेरी कॉम्प्लिकेटेड. काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन था. इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. तो अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड दिस इज एक्सप्रेस योर साइन 75 डिग्रीज प्लस कॉस 65 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्रीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. पहले तो 75, 65 हमारे टेबल के वैल्यू से रिलेटेड नहीं है. इफ़ यू कैन सी 0, 30, 45, 60, 90 इट इज़ आउट ऑफ द टेबल. तो कॉन्जुगेट लगाना है और हमें इस एक्सप्रेशन को ऐसे इंटरचेंज करना है कि हमें यहाँ पर जो एंगल्स आएंगे वो 0 और 45 के बीच में आना चाहिए. यू कैन सी 75 इज़ ग्रेटर देन 45 एंड इवन 65 इज़ ग्रेटर दैन 45. सो यू गॉट टू चेंज दैम. तो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो लेट अस सी. तो यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए. फर्स्ट आई कंसिडर साइन 75 प्लस कॉस 65. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आई जस्ट कॉपी दिस साइन एंड देन आई राइट एज 90 माइनस. नाउ बी वेरी केयरफुल, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर 65. जैसे हमने दूसरे प्रॉब्लम्स में किया था, सेम कॉपी करते हैं और बाजू के नंबर को लिख लेते हैं. अगर हमने 65 सेम कॉपी कर दिया तो वापस से हमें आंसर में यहाँ पर 65 और यहाँ पर 75 आ जाएगा. वी नीड 0 एज वेल एज 45. तो यहाँ पर आई एम अप्लाइंग नॉर्मल मैथमेटिक्स. हाउ कैन यू राइट 75? यू कैन राइट 75 एज व्हेन यू टेक 90 माइनस 75, आपके पास डिफरेंस आ रहा है 15 डिग्रीज. तो इन प्लेस ऑफ 75 कैन आई राइट डाउन 15? तो अगर 90 में से 15 आप माइनस करते हो तो आप 75 लिख सकते हो. आई एम जस्ट डूइंग अ नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन ओवर हियर ऑफ सब्ट्रैक्शन. फिर उसके बाद आप आ जाओ कॉस की तरफ और कॉस में अगेन 90 में से आप 65 माइनस करके देखिए तो आपको मिलता है 25 डिग्रीज. तो आई एम राइटिंग 90 माइनस 25. अब हम लोग, ये था आपका नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जो हमने किया था. यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं किया इस स्टेप में. अब मैं इस स्टेप से कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगी. व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? इट विल टर्न आउट टू बी कॉस थीटा. एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा? इट टर्न्स आउट टू बी योर साइन थीटा. तो अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे आपके ये दोनों एंगल्स वेयर 15 and 25 lie between 0 and 45 degrees. Okay? तो यहाँ पर इस step में मैंने apply किया है conjugate. तो इसी के साथ हमारे solutions ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर. और अब हम लोग चलते हैं हमारी so called quiz time की तरफ. तो let's see. चलिए, तो ये हमारे solutions पूरे ख़त्म हो चुके हैं. आई अप्लाइड द कॉन्जुगेट और मैंने क्या कॉन्जुगेट यूज़ किए वो भी मैंने लिख दिए हैं. आज की हमारी वीडियो में कई सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं और हम चलते हैं अब हमारी क्विज़ की तरफ. तो क्विज़ में फ्रेंड्स हमारे पास है, कल का क्वेश्चन था कि हमें फाइंड आउट करना था 2 tan square 45. देखिए आप लोग,
हमारी क्विज का क्वेश्चन था 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना था और इसकी सही वैल्यू हमें 2 मिली है. और हमारे सही आंसर्स देने के विनर्स का नाम है, वी हैव गॉट फातिमा, वी हैव गॉट माहिन एंड वी हैव गॉट न्यू आईडी, न्यू व्यूअर विच इज़ नथिंग बट आई गेस सैयद यूनुस. तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू पीपल फॉर टेकिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट एंड सॉल्विंग माई एवरी डे क्विजेज विद सो मच ऑफ डेडिकेशन and determination. तो highly appreciated है guys. और अब हम लोग चलते हैं आज के quiz के question के लिए और वो है sin 5 degree into cos 85. And तो आज का हमारा quiz question है sin 5 into cos 85 plus cos 5 into sin 85 क्या होगा, इसकी value क्या होगी, आप लोगों को ये मुझे लिखकर भेजना है comment section में. और फिर हम लोग चलते हैं हमारे सो कॉल्ड फेवरेट टिप ऑफ द डे पर. तो आज की हमारी टिप ऑफ द डे है नेवर एवर हेजिटेट इन मैथमेटिक्स. तो नेवर एवर हेजिटेट इन मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, हेजिटेशन के मतलब यहाँ पर दो हैं. एक चीज़ होती है कि कुछ बच्चे बहुत ही कम कॉन्फिडेंट होते हैं एंड दे डोंट हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर उनको कोई सोल्यूशन आता भी है तो वो शेयर करें, या कोई आंसर भी आता है तो वो उसे बोलने से पीछे हटते हैं बिकॉज दे ऑलवेज फील दैट दे मे बी रॉन्ग. और ऐसा करने से दे मे मिस सम अप्रिसिएशन, दे मे मिस आउट सम एनकरेजमेंट, ऐसा हो सकता है. और दूसरे टाइप का हेजिटेशन ये होता है कि जब आपको किसी चीज़ में कोई डाउट आता है तो वो डाउट पूछने के लिए भी आप आगे नहीं बढ़ते हैं. तो एक तो हो गया कि आपको सब कुछ सही आता है, आप उसे पब्लिकली डिक्लेयर करने में डरते हो, और दूसरी चीज़ है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आप वो डाउट को डिस्क्लोज करने में भी डरते हो. तो ये दो टाइप्स की हेजिटेशंस होती हैं जो इनफैक्ट मैथ्स ही नहीं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों हेजिटेशन से आपका ही नुकसान होगा. एक जिसमें आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए थी और यू कैन नॉट स्टैंड आउट इन द क्राउड, और दूसरी हेजिटेशन से आपके डाउट सिर्फ डाउट्स ही बने रहेंगे. और इन सब चीजों से सिर्फ एक ही चीज आपकी बूस्टअप होते जाएगी, वो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह गिरता चला जाएगा. तो गाइस हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपने हर सब्जेक्ट्स में, ना कि गिराना है. तो प्लीज़ ये दोनों टाइप्स ऑफ हेजिटेशन से आप लोग हमेशा दूर रहिए टू मेक योर स्टडी आर अ सक्सेसफुल वन. तो होप आप लोग मेरे सभी वीडियोस से इंस्पायर हो रहे होंगे और आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा होगा. थैंक्स फॉर ऑल योर कमेंट्स, थैंक्स फॉर ऑल योर अप्रिसिएशंस गाइस. मैं जल्दी अपनी सब्सक्राइबर काउंट आप लोगों को डिस्कस करूंगी और डिस्क्लोज करूंगी. आई एम वेरी हैप्पी जो स्पीड से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं. तो आपके इंस्पिरेशन के लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल. और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ के साथ बने रहिए एंड होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.